हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लूट लो पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को देने वाला हूँ एक और न्यू लूट ऑफर, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मतलब सारा लाइव करके आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आपको करना है सारा कुछ, बिल्कुल फुल प्रोसेस साथ बताऊँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो सबसे पहले दोस्तों, जितना भी आपको यहाँ पे मतलब समझ आता है अच्छे से एक बार देख लेना, नहीं समझ आता है एक बार वीडियो को फिर से बैक करके फिर से आप देख सकते हो, उसमें कोई भी आपको मना नहीं करेगा। आप वीडियो को आराम से देखो दोस्तों, कोई भी टेंशन नहीं होने वाली है वीडियो को समझने में। दोस्तों, उससे पहले सभी को बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसके बाद दोस्तों आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये चैनल ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना है, ताकि और ज़्यादा इस तरह की वीडियोस आप ले सको, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप ज्वाइन करते हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों अगर इस तरह की कोई वीडियोस आती है तो उनकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर पीसी तक आपके आसानी से आ सके। दोस्तों, उसके बाद मैं यहाँ पर एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लिमिटेड टाइम लूट ऑफर या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको हमेशा देता ही रहता हूँ। जैसे दोस्तों कल मैंने आपको यहाँ पर एक लूट दी थी, जो कि दोस्तों मेटामास्क के अंदर आपको 5000 पीएमई टोकन मिल रहे थे, जिसे आप पैनकेक पे स्वैक करके मतलब किसी भी एक ट्रेडिंग मतलब एक्सचेंज वॉलेट या फिर वेबसाइट के ऊपर एक्सचेंज करके मतलब पेयर करके उसको यूएसडीटी के अंदर ट्रेड कर सकते थे, और यूएसडीटी से आप आसानी से पेटीएम वगैरह ले सकते थे, ठीक है। मतलब आसानी से बहुत कुछ है, इसका बहुत कुछ हो सकता, तो मैंने सभी को बता भी दी हिंट। अब काफ़ी लोगों को मेटामास्क ऐड करना नहीं आया था, तो मेटामास्क ऐड कैसे करते हैं वो चीज़ मैंने यहाँ पर बताई थी। सभी लोगों ने ऐड भी कर लिए थे, अपने टोकन रिसीव भी कर लिए थे अपने वॉलेट के अंदर। ये था उनका वॉलेट एड्रेस जिसमें मतलब उनको ऐड करना था, उसके बाद में इसके अंदर उन्होंने सभी ने अपने टोकन जो है ऐड कर लिए थे, ठीक है। और ये जो लूट है कम से कम एक घंटे चली थी, एक घंटे बाद में जो लूट है ये ओवर हो गई थी, ठीक है, ज़्यादा नहीं चली थी। इसलिए लिमिटेड टाइम लूट ऑफर इसी तरह की जो लूट होती है वो सिर्फ आपको मैं अपने चैनल पर दिया करता हूँ, ठीक है। अभी दोस्तों मैं बताता हूँ कि आपको आज की जो लूट है वो किस तरीके से ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लूट है वो सभी के लिए है, मतलब ऑल यूजर। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो विनर्स होंगे इसके अंदर कुछ, तो मतलब विनर्स होंगे और कुछ फेलियर होंगे, ठीक है। प्रॉफिट सभी को होगा, फेलियर को भी होगा, विनर्स को भी, सभी का प्रॉफिट होगा। अब देखो कैसे होने वाला है वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको चले जाना अपने बाइनेंस अकाउंट के अंदर, ठीक है। दोस्तों यहां पर आने के बाद दोस्तों आपके सभी के अकाउंट के अंदर मैं बता दूं, आपके सभी के अकाउंट के अंदर यहां पर $100 होने ही चाहिए, 101 हो, 105 हो, 104 हो चलेगा, लेकिन 102 से नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब 101 से नीचे होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। 100 तो मैं लिमिट यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, पर यहाँ पे आपको मतलब 101 से नीचे डॉलर किसी के अकाउंट पे नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास में 100 है तो वो भी यहाँ पर कैसे भी कैसे ना करके यहाँ पर कर सकता है काम, लेकिन दोस्तों 101 हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अभी दोस्तों आपको डॉलर ये कहाँ से लेने होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी है, कैसे टोकन बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए, ऊपर आई बॉक्स में जाना, वो वीडियो मैं आपको ऊपर आई बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाके सिंपल उन वीडियोस का आप देख लेना कि आपको टोकन कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। तो मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसके अंदर आपको बता दूंगा कि आप टोकन किस तरीके से बाय करते हो और अपने बाइनेंस तक अपने टोकन लेकर आओगे, मतलब पैसे लेकर आओगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आपको पहले बता दी, ऊपर वीडियो देखना आई बॉक्स में जाके, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी दोस्तों जैसे यहाँ पर ये आपका पैसा आ जाता है, मान लिया कि अभी जो मेरा पैसा है वो सारा मैंने कन्वर्ट कर रखा है यूएसडीटी के अंदर और जिल टोकन के अंदर, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जिल को मतलब ये सभी को ना एक जगह पे ले लेता हूँ। जैसे यूएसडीटी मेरे पास में अभी 29 है, ठीक है, तो मुझे ये पूरा का पूरा ही 100 करना है, तो मैं जिल को भी यहाँ पर कन्वर्ट कर लेता हूँ यूएसडीटी के अंदर, ताकि ये पूरा का पूरा 100 हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं जिल को यहाँ पर कन्वर्ट कर लेता हूँ, एक मिनट, इसको मैं सबसे पहले तो सेल कर देता हूँ सारा का सारा। ये हो गया मेरा 100% जिल कंप्लीट, ठीक है। तो ये 97 और सेल जिल। अब दोस्तों मेरा जो जिल सेल हो चुका है सक्सेसफुली, और ये यूएसडीटी में आ जाएगा थोड़ी देर के अंदर, तब तक हम देखो हमारा आ भी चुका है शायद, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अब किस चीज़ की मैं बात करने वाला हूँ। देखो मेरा 100 से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, और 100 से कम जिसके पास भी हुआ ना, वो इस ट्रेडिंग को मतलब इस चीज़ को ज्वाइन नहीं कर पाएगा, इस ऑफर को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। इसलिए कैसे भी करके अपने बैंक से कहीं से भी ऐड कर लेना 7000, मतलब $100, उसके बाद में अपना जो टास्क है कंप्लीट कर लेना। अभी दोस्तों देखो आपको दिखाने वाला हूँ कैसे ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं होम पर, होम पर जाने के बाद में ऊपर जो आपका बैनर शो हो रहे हैं ना, ये बैनर में से ये वाला बैनर आपको दिखाई देगा फीचर वाला, तो इस पर हमें क्लिक कर लेना है, इस वाले पे हमें क्लिक कर लेना है CKB टोकन जिसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें इस पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले देखो क्या काम आता है, इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये इस तरह का ये आएगा। ये ऑफर अभी भी 3 दिन 20 घंटे तक लाइव रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर सभी को अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है, मतलब कि यहाँ पर $50 का पर अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट होगा। दोस्तों कैसे होगा वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको देखो यहाँ पर है ना, आप
आप जैसे मतलब इन्होंने बोला कि जैसे आप $100 की ट्रेडिंग करते हो कंप्लीट, मतलब $100 की कंप्लीट, $100 पचास पचास करके भी नहीं, कंप्लीट $100 होने चाहिए, $100 की जैसे आप ट्रेडिंग करते हो CKB के अंदर, मतलब CKB बाय और सेल, बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल ऐसे करोगे $100 के अकॉर्डिंग, तो आपको हर हर ट्रेडिंग पे मतलब हर बाय करने पे सेल करने पे एक एक टोकन यहाँ पर मिलेगा, मतलब एक एक कार्ड यहाँ पर मिलेगा जिसको आप स्वैप करोगे, स्क्रैच करोगे, स्क्रैच करने पे आपका ये निकल सकता है, ये निकल सकता है, ये निकल सकता है, या फिर स्केल आपका निकल सकता है। और जैसे ही आपके चारों निकल जाते हैं कंप्लीट निकल के आ जाते हैं, ठीक है, तो उन चारों से जैसे आप इसी एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जैसे ही चारों आपको मिल जाते हैं, ठीक है, तो आप मतलब यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे, आपको $50 मिल जाएंगे, ठीक है। सारी चीज़ यहाँ पर बता दिए कैसे क्या इन्फॉर्मेशन है, पूरी फुल डिटेल बता दिए, और ये ऑफर अभी भी जो है 3 दिन तक लाइव रहेगा, तो आप आसानी से कर सकते हो, और कार्ड लेने की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी बार आप यहाँ पर कार्ड ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले मैं चला जाता हूँ अपने CKB टोकन मुझे सर्च करना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ ट्रेडर के अंदर, देखो मैं सारा कुछ आपको दिखा दिया है, उसके बाद में यहाँ पर CK और B ये मैंने सर्च कर लिया, तो यहाँ पे USDT के द्वारा मैं खरीदूंगा क्योंकि मेरे पास में पड़े हुए हैं USDT, ठीक है। तो अभी मुझे सबसे पहले तो बाय करना है ये, तो मैं बाय पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 100% पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तब यहाँ पे आप देख सकते हो $127 के मेरे पास में ये आ चुके हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं छेड़ूंगा, मुझे सिर्फ $100 के चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये $100 का कर लेता हूँ, ठीक है। तो 101 ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, 101 ले लिया, बाय CKB पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और तुरंत के तुरंत सेल पे जाना, ऊपर सेल पे क्लिक करना और यहाँ पर 100% पे क्लिक करके इसको सेल भी कर देना, ठीक है, सेल CKB। अब हमारा ये थोड़ी देर के अंदर सेल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दो बार मैंने कंप्लीट कर लिया, एक तो बाय हो गया मेरा और अभी एक सेल जो है वो अभी चल रहा है, 9% हो गया है नीचे, ठीक है। इसको जैसे कंप्लीट हो जाएगा दो कार्ड मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो फिर से मैं यहाँ पर बाय कर लेता हूँ, बाय पे क्लिक किया, 100 यहाँ पे डाला, 101 टोकन मतलब यहाँ पे मैंने डाल दिया, तो उसके बाद मैं बाय सी के भी क्लिक करते यहाँ पे वापस से सेल पे आ जाता हूँ, सेल पे आते यहाँ पे फिर से 100% पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कम पड़ गया तो मैं यहाँ पर बाय पे जाता हूँ फिर से, और यहाँ पर कुछ $10 का फिर से ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं $10 का फिर से ले लेता हूँ और ये मैंने बाय कर लिया है, एक मिनट यहाँ पर पहले सेल कर लेता हूँ। और दोस्तों एक बात और, तुरंत के तुरंत जब आप ट्रेडिंग करोगे तो तुरंत के तुरंत बाय करना, तुरंत के तुरंत सेल करना, तुरंत बाय तुरंत सेल, मतलब इंस्टेंट आपको बाय सेल बाय सेल बाय सेल करना है, नहीं तो आप थोड़ी भी देर यहाँ पे लगाओगे तो आपका जो यहाँ पर मतलब जो मार्केट प्राइस है थोड़ा बहुत लो ऊपर डाउन अप डाउन जो है होती रहती है, जिसके कारण आपको यहाँ पे $1-2 का लॉस भी हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे जैसे मतलब मान लिया, अब आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको है ना तुरंत के तुरंत मतलब जैसे सेल किया था, CKB टोकन थे मेरे, तो उसको मैंने सेल किया, जिस समय पे मैंने सेल पे क्लिक किया तो उस समय पे मार्केट की प्राइस थोड़ी बहुत अच्छी थी, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो 0.0024039 थी, ठीक है। और यहाँ पर अभी मार्केट प्राइस 0.024008 हो गई है, जबकि यहाँ पे देखो 039 है और यहाँ पे 004 हो चुकी है, इसका मतलब दोस्तों मेरी जो लिमिट है अभी भी यहाँ पर लाई कर रही है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको यहाँ तक आने में, इसलिए मैं वेट करूँगा, चाहे तो मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कैंसिल नहीं करूँगा, नहीं तो थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर टोकन का लॉस हो जाएगा फालतू, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पहले ही 127 टोकन थे, जिसमें से यहाँ पर आपका मतलब ये देखो अभी कितने 25 टोकन ये हैं, मतलब 126 टोकन अभी भी यहाँ पर बचे हुए हैं, ठीक है, मतलब टोटल मिला के यहाँ पे धीरे धीरे ये कम हो जाएंगे, जैसे कि अभी $0.1 का जो है लॉस मेरा हो चुका है, जिससे कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा। दोस्तों मेरा लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर इसमें केयर देखते रहें, मतलब सब कुछ देखते रहें कि सब कुछ सही से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, ये थोड़ी ट्रेडिंग सीखने की थोड़ी सी आपको बातें बता रहा हूँ, ठीक है। अभी दोस्तों आपने ये काफ़ी सारे टास्क जो है कंप्लीट कर लिए, तो वापस से मैं होम पे जाता हूँ इस वाले पे बैनर पे क्लिक करके, और मैं देख लेता हूँ कि मुझे मिला है या फिर नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ बैनर पे क्लिक किया, बैनर पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे देखो कुछ कार्ड मिले होंगे, जैसे ही दोस्तों मैंने $100 की ट्रेडिंग कंप्लीट की अपनी 5 बार, ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। अभी दोस्तों जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, मतलब कि ये तो भाई मेरे लिए भी मिरेकल हो गया, क्योंकि अभी तक किसी भी अकाउंट में मुझे इतना कुछ नहीं मिला है, जैसे कि 2 बार तो एसएस मिल गया है, 1 कोड मिल गया है, 1 डेप मिल गया है और 1 स्केल मिल गया है, यहाँ पर मतलब इसमें से मतलब कुछ भी मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे इतने सारे कार्ड यहाँ पर मिल सके हैं। अब दोस्तों देखो मान लिया कि आपको है ना एक बार में जैसे आप एक बार रिसर्च करते हो तो आपको 1 कार्ड मिलता है यहाँ से, ठीक है, 1 इसका कार्ड मिल जाता है, 1 इसका कार्ड मिल जाता है, और बाई चांस मतलब आपको 2 ये मिल गया, 1 ये मिल गया, 2 ये मिल गया और ये रह जाता है, ये आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप $50 के लिए एलिजिबल नहीं हो, तब आपको $12 ही दिए जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बात बता दूँ, ये जब आपको नहीं मिलता है ना तो ये आप मुझसे आकर ले सकते हो, कैसे लोगे ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा कैसे लेते हैं। देखो यहाँ पर आप देखो मान लिया कि इसमें से आपको कोई भी 1 कार्ड नहीं मिला है, ठीक है,
तो आप यहाँ पे सेंड आ कार्ड, अगर मेरे पास कार्ड होगा तो मैं आपको जरूर दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेंड आ कार्ड पे मतलब आपके मतलब यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर से अगर मान लिया कि मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सेंड आ कार्ड पर मान लिया आप दो अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, जैसे एक अकाउंट दूसरा क्रिएट कर लिया, एक अकाउंट दूसरा क्रिएट कर लिया। आप ये खुद भी कर सकते हो कि आपने दो अकाउंट क्रिएट कर लिए, पहले एक में लूट के देख लिया, नहीं हुआ दूसरे के अंदर लूट के देख लिया, तो देख लो मेरे पहले अकाउंट में हुआ नहीं था और दूसरा अकाउंट मुझे ये मिल चुका है, ठीक है। जिसमें दूसरा अकाउंट मेरे पास में ये नहीं है, तो मुझे एक बार स्केल और मिल जाएगा, मतलब एक बार कोड और मिल जाएगा, तो अच्छी बात है, ठीक है, मतलब मजा आने वाला है, ठीक है। अभी दोस्तों देखो मुझे क्या करना है, मान लिया कि अपना जो कोड है वो यहाँ से लेकर दूसरे अकाउंट में सेंड करना है, तो यहाँ पर सेंड आ कार्ड करता हूँ। जैसे सेंड आ कार्ड पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं कोड जो भी टोकन मुझे सेंड करना है तो उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। जैसे मैंने कोड कर लिया उसके बाद में यहाँ पर उसकी रेफरल आईडी जो होती है यूज़र आईडी वो यहाँ पर मतलब पेस्ट कर दूँगा। यूज़र आईडी कहाँ पर मिलती है, यूज़र आईडी यहीं पर मिल जाएगी आपको, रिक्वेस्ट कार्ड पर मतलब दूसरे अकाउंट पर जाना, रिक्वेस्ट कार्ड पर क्लिक करना, ये है आपकी यूज़र आईडी जिसको आप यहाँ से कॉपी करके मतलब दूसरे अकाउंट पर सेंड कर देना, वहाँ पर जाकर सेंड कार्ड पर मतलब पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट करके ये वाला कार्ड उसके में सेंड हो जाएगा, ठीक है। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और सभी लोग इसको अच्छे से ज्वाइन कर लेना। तब तक दोस्तों मैं और भी करके देख लेता हूँ, क्या पता मेरा यहाँ पर कुछ ना कुछ लक जो है और ज़्यादा कार्ड मुझे मिल जाएंगे ताकि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ दोस्तों। तक बने।